भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई संस्कृति सचिव श्री आर बी अय्यर कर रहे हैं। कराची की जेल से भारतीय मछुआरों की रिहाई और कश्मीर में इस साल केसर की पैदावार में बढ़त। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई संस्कृति सचिव श्री आर बी अय्यर कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के अगवा सैयद रोशन जमीर हैं। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सहमति का रास्ता तलाश करेंगे। संस्कृति से जुड़े लोगों के आसान आवाजाही के लिए वीजा की समस्या पर चर्चा बातचीत का अहम हिस्सा है। इसके अलावा खिलाड़ियों के आने जाने पर भी पैदा हुए विवादों का हल ढूंढा जा रहा है। दोनों मुल्कों के मछुआरों की रिहाई के मसले पर भी बात की जाएगी। इस दिशा में दोनों मुल्क कदम उठा चुके हैं। इसके अलावा आज के बातचीत में दोनों मुल्कों के आवाम के संपर्क बढ़ाने के लिए अब एक विशेष सूचना। पिछले दिनों शहर में हो रहे कत्ल के मुद्दे पर शहर के कमिश्नर ने हमारे बातचीत करते हुए हमें बताया की उन्हें पूरा यकीन है की वो कत्ल को बनाती अच्छा है। छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि इन सारे कत्लों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि सारे ही कत्ल उसने रस्सी से गला घोट कर किए हैं। शायद उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में ना ले। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति पर शक हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 400-021-400-022। लगभग एक दशक से आतंकवाद का सामना कर रहे कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो मैं हूं? आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि वो मैं हूँ, वो खूनी? मेरे ख्याल से अभी आपको जाना चाहिए यहाँ से। अब क्या हुआ? क्या हुआ मतलब मेरे पति आते होंगे अभी यहाँ किसी भी वक्त। आपने तो कहा था कि आपके पति है ही नहीं। मैंने कहा था मेरे पति अभी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हो, वो अभी किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब आप जाइए प्लीज। Oh, that's great. उनको आने दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। क्या मतलब? उनको आने दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं उनको समझा दूंगा, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप प्लीज जाइए, प्लीज गो, ये मेरा घर है। अच्छा घर है, मजाक का वक्त नहीं है ये मिस्टर। प्लीज प्लीज आप अभी जाइए यहाँ से, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ। और अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जाऊंगा तो? देखिए, मैंने आपको घर में लिया, आपने कॉफी मांगी, मैंने दी, मैंने आपकी सारी बातें मानी। अब आप प्लीज चले जाइए यहां से, प्लीज। मैं आपको देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूं, समझ के, मैं वाकई एक शरीफ आदमी। इस आंधी पानी में वो उस कमी ने मल्होत्रा की वजह से फंस गया। देखिए, मैं आपका डर समझ सकता हूं। आप मुझे नहीं जानती, एक अनजान आदमी के साथ इस घर में आप फंस गई हैं, ठीक है? मैं सब समझ रहा हूं। देखिए मैम, आपको क्या लगता है कि मैं वो खूनी हूं? तो क्या अब तक आप जिंदा बची होती यहां पे? बच्ची होती आप सिद्धा? इसको रखिए, इसको रखिए, रखिए इसको। अब इसको लेकर आप बैठिए। अब मैं यहीं पर हूं, मैं कुछ भी करूं तो आप मेरी जान मार लीजिए, ठीक है? ठीक है, खुश? लेकिन भगवान के लिए अब चुप चुप रहिए। एक सेकंड में आदमी से भूत बना दिया। देखिए, बारिश रुकते ही मैं यहां से चला जाऊंगा, आई स्वेयर, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं यहां रहने का, मेरा अपना घर है। अजीब लड़की।